सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। माय नेम इज जिमी और आप देख रहे हैं टॉक्सिक मार्वल यूट्यूब चैनल। तो कल रिलीज हुआ था ब्रह्मास्त्र का ट्रेलर जो कि काफी बवाल चीज निकला। उसे देखकर ये तो पता चल गया कि बॉलीवुड अभी जिंदा है, वो भी कुछ अच्छी पिक्चर बना सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के बात करते हैं ब्रह्मास्त्र के बारे में। हाँ, तो पहले ऊपर की कहानी सुन लो। तो इस मूवी में अस्त्र वस्त्र नाम के वेपन्स है जो कि उन सबकी पावर के सोर्स भी होंगे और सबकी पावर भी अलग अलग है। जैसा कि हमने ट्रेलर में देखा, नागार्जुन की पावर है उनका ब्रेसलेट जो कि उनका अस्त्र भी है, और अस्त्र की पावर ये है कि उसके अंदर बुल की पावर है जो कि हमने इस ट्रेलर में देखा और जो देखने में तो काफी ज्यादा बवाल लग रहा था। फिर दिखता है हमें आग वाला पंछी और अमिताभ बच्चन सर बोलते हैं वायु। अब ये तो पता नहीं चला कि ये किसका अस्त्र है, लेकिन अगले ही शॉट में एक अननोन कैरेक्टर दिखा है जो कि प्रोबेबली SRK ही होंगे और ये इस मूवी में शायद शिवा के कोई पूर्वज होंगे या फिर शिवा के अस्त्र के पहले ओनर, क्योंकि ऑफिशियल पोस्टर में ये जो मूर्ति है ये शिवा के पीछे रहती है और ये त्रिशूल भी जो इसके हाथ में है। और उसके बाद ट्रेलर में और भी कई सारे अस्त्र दिखाए गए जिनके बारे में कुछ ज्यादा तो नहीं बताया गया, लेकिन काफी बवाल लगे वो अस्त्र मुझे। मतलब ऐसे ही अस्त्रों में अगर हमें एक्शन मिला तो कमाल ही हो जाएगा। और फिर आता है ब्रह्मास्त्र का सीन। अब ये ब्रह्मास्त्र जो है वो इन सब अस्त्र वस्त्र से ज्यादा पावरफुल है और इसी वजह से मूवी में इसके अलग अलग टुकड़े कर अलग अलग जगहों पर फैला दिए जाते हैं, जिसे मूवी में ढूंढने का काम करेगी मौनी रॉय। अब ये बोलना सही होगा या नहीं, लेकिन इस सीन ने मुझे स्कारलेट विच की याद दिला दी थी। अगर ऐसा हुआ तो अच्छा ही है, हमें भी एक हमारी स्कारलेट विच मिल जाएगी सस्ती वाली। फिर हमें रणवीर सिंह के कुछ सीन दिखाए जाते हैं जिसमें ऐसा पता चल रहा है कि वो इस मूवी में DJ का रोल करेंगे और इस जगह आलिया भट्ट और रणवीर कपूर दोनों मिलेंगे और इसी जगह शिवा को अपनी पावर भी मिलेगी, मतलब अपनी पावर से पहचान होगी और उसकी पावर को और भी बढ़ाने का काम करेंगे अमिताभ बच्चन जो कि इस मूवी में काफी मेन कैरेक्टर रहेंगे कि जो कि सबको अस्त्र वस्त्र के बारे में ज्ञान देते होंगे, क्योंकि ये ट्रेलर में सबसे ज्यादा सीनियर कैरेक्टर लग रहे हैं और इनके पास भी एक अस्त्र है जो कि काफी खतरनाक है। और अस्त्र वस्त्र की बात है तो इस मूवी में इतने सारे अस्त्र वस्त्र होंगे जिसकी कोई हद नहीं है, लेकिन मेरा फेवरेट तो वो ग्रीन वाला ही होगा। और हाँ, इस सीन को देखो, इस सीन में एक डिटेल है, मतलब नागार्जुन के पास जो ब्रेसलेट है उसमें है नंदी की पावर और ये रही नंदी, और रणवीर कपूर जो है वो शिवा है, तो मुझे ऐसा लगा तो मैंने बता दिया। और इस सीन में ये तो पता चल गया कि नागार्जुन का कैरेक्टर कोई विलन नहीं है बल्कि वो भी इसे बचा नहीं आया है, और इसके आगे तो मूवी देखकर ही पता चलेगा। वैसे भी इन्होंने ट्रेलर कुछ ज्यादा ही जल्दी रिलीज कर दिया है, अभी तो 3 महीने पड़े हैं, पता नहीं इसके कितने ट्रेलर और आएंगे। पर हाँ, जो भी हो मूवी काफी अच्छी होने वाली है। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में।